आवाज़ अगर सुरीला बनाना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या सही है और क्या गलत है इन बातों को समझना है। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विज़िट करें हमारा वेबसाइट, यहाँ आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तरपत रहना देना बलमा, तरपत रहना देना पिया बिना मोरा जी अरा तर सर। तरपत रहना देना बलमा, तरपत रहना देना इनायत पिया तोरे दर्शन बेना, नैन में मोरा जल बरसे रे। तरपत रहना देना, रहना देना, रहना देना। आवाज सुरीला बनाना है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चलता है। आज अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये 100% सही नहीं है। आज वेदर के कारण मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है, पर शायद आपको सुनने में ना लगे, पर मैं गा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। तो ये सीजनल है, सबके साथ कभी कभी हो सकता है। हम मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन चीज़ को समझेंगे कि आवाज़ को सुरीला कैसे बनाएंगे, सुरीला बनाने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। बहुत लोग ये समझते हैं सुरीला बनाने का मतलब है बहुत पतली आवाज़, सॉफ्ट वॉइस। बहुत लोग ये समझते हैं कि बहुत दमदार वॉइस होना चाहिए। तो सुरीले का मतलब ये नहीं कि बहुत पतली आवाज़, उसको सुरीला नहीं कहते हैं। सुरीला का मतलब है आवाज़ सुर में होना। सुर में आवाज़ होने का मतलब है जो स्वर हम सोच रहे हैं वो स्वर को सही से गा पाएं, इसको बोलते हैं सुरीला होना। आवाज़ जो रियाज करने का तरीका बनाया गया है वो तरीके को समझना है, वही एकमात्र तरीका है जिससे आवाज़ सुर में आएगी। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारा उपाय ढूंढते, गर्म पानी पीजिए आवाज़ सुरीला हो जाएगा, लाल मिर्च खाइए गला सुरीला होगा, बहुत सारा उपाय, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं आता है। मेन अपना रियाज है, अगर रियाज सही से हुआ तो गला सुरीला बनेगा ही बनेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, ये बात सही है कि थोड़ा वक्त लगेगा, पर गारंटी है कि गला सुरीला बनेगा। जब भी रियाज करने बैठना है तो रियाज का जो तरीका है, सबसे पहले सा को लगाना है, जो मैंने पालटा अलंकार का लेसन बताया है उसे एकदम फॉलो कीजिए। सही ढंग से अगर रियाज़ करेंगे ज़रूर सुरीला बनेगा। अब चलते हैं कुछ बातों को कि रियाज़ करने कैसे बैठेंगे। जब भी बैठेंगे सबसे पहले अगर थोड़ा प्राणायाम कर ले 5-10 मिनट तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है। उसके बाद होल्डिंग नोट्स का रियाज़ करेंगे, सा को पकड़ के बैठेंगे हम। सा अगर सही से लग गया 10 मिनट 5 मिनट कम से कम सा करेंगे, उसके बाद आगे की सुर को भी वैसे ही 4-5 बार करके होल्ड करके सही करेंगे। उसके बाद जो अपना लेसन चल रहा है पालटा अलंकार का, शुरू से रिवीजन करते हुए जाएंगे, हर लेसन को 4-5 बार करते हुए पहुंचेंगे, जो नया लेसन है उस लेसन को लेके बैठेंगे। रेशियो जो होता है रियाज़ करने का, अगर 2 घंटे रियाज़ करने बैठे हैं तो 1 घंटे हमारा रिवीजन होता है और फिर 1 घंटे नया लेसन का रियाज़ करना पड़ता है। जब रियाज़ करके उठेंगे फिर अगर वक्त बच गया तो क्लासिकल गानों को सुनना है, क्लासिकल संगीत सुनना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% काम करने वाला तरीका है, जो सही एकदम तरीका है मैं वो बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट होता भी नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ज़रूर समझेंगे। सुरीला बनाना है आवाज़ तो रियाज करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो।
बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि आवाज़ बहुत मोटा है, कर्कश है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो आवाज़ बहुत मोटा है पर बहुत दमदार है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आवाज़ को सुर में गाना है। सुर में गाने का मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ, अगर सा है तो अगर मैं पा गाने की कोशिश करूँ, पा एक बार में सुर में लगना चाहिए, तीव्र मा गाऊं, मा पा गा, गा मा शुद्ध मा पा गा पा सा, एकदम सुर में होना चाहिए। अगर मैं तानपुरा बजा के गाऊं तो भी आना चाहिए, वो कैलकुलेशन होना चाहिए। हारमोनियम इसलिए लोग शुरू में यूज़ करते हैं ताकि स्वर समझने में आसानी हो। जब कुछ महीने हारमोनियम पे रियाज हो जाए उसके बाद तानपुरा लेकर बैठना ही सही है। सामने हारमोनियम रखिए, तानपुरा लेकर के बैठिए। अगर हम तानपुरा लेते हैं ठीक है, सामने हारमोनियम रखिए, सही लग रहा है, ऐसे करके चेक किया जाता है, सही लग रहा है, रे गा गा, सही लग रहा है। हारमोनियम बजा बजा के टेस्ट किया जाता है। और जो एकदम बेसिक लेसन है उसको तानपुरा पे करने का अभ्यास करना पड़ता है, तब तानपुरा आता है। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी यूज़ कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा यूज़ करना भी शुरू में सही है, क्योंकि तानपुरा मिलाना भी एक बात होता है, सुर में है कि नहीं ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सुर की जो समझ बोलते हैं ना, जो आवाज़ सुरीला बनाने की बात होती है, उस सुरीला बनाने के पहले सुर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। सुर को समझ के रियाज करना, जो बिगनर्स हैं उनको हारमोनियम पे रियाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हारमोनियम सही स्वर बताता है, पा कहाँ पे है, गा कहाँ पे है, उसको सुन के आप सही लगा सकते हैं सुर, तब जाके सुरीला बनेगा। सा पा पा मा पा गा मा गा रे सा गर सन सा मा गा सा गम पा मा पा गा मा गा। हर स्वर अगर सुर में लगेगा तो आवाज अच्छा लगेगा ही, सुरीला लगेगा ही। तर पतर ना देना बल मा, तर पतर ना देना पिया बिना मोरा जीरा, तर सर तर पतर ना देना पिया बिना गमा पदा मोरा गम बनी सोने जीरा पम गम पद पम ग तर सर गगर रे सा तर पत रे ना देना। बंदिश है, चाहे बंदिश हो या गाना, स्वर को समझ के ही गाना पड़ता है, तब जाके सुरीला आवाज़ निकलेगा। आवाज अगर सुर में होगा तो सुरीला लगेगा। इसलिए रियाज जो बिगनर हैं वो पालटा अलंकार का रियाज करें, डिस्क्रिप्शन में है सही ढंग से। जो बिगनर से थोड़ा आगे हैं, कई महीने सीख चुके हैं, वो तानपुरा पे रियाज करना शुरू करें। ये तरीका होता है सामने हारमोनियम रख के। तो आवाज़ सुरीला बनाने का जो भी उपाय था मैंने सब कुछ सही सही बताया। अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा हुआ है जिन्हें, वो कमेंट जरूर करेंगे अपनी बातें, या अगर कुछ पूछना है तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।
अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास दो तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए।